जुवासौदा में पुनः होगा कोविड सेंटर प्रारंभ। कोविड सेंटर पर 50 संक्रमित मरीज रहने की होगी व्यवस्था। ऑक्सीजन के साथ दवा की रहेगी पूर्ण व्यवस्था, नहीं आएगी कोई कमी। प्रस्तुत है गंज वासौदा से एलएन चौबे की एक रिपोर्ट। जी हां, गंज वासौदा नगर में पुनः कोविड सेंटर प्रारंभ होने जा रहा है। एकाएक कोरोना संक्रमण के मरीज बढ़ने से विदिशा जिला अस्पताल में जगह की कमी एवं लोड कम हो, इसलिए जिला प्रशासन द्वारा नगर में एक बार फिर कोविड केयर सेंटर शुरू करने का निर्णय लिया गया है, जिसका निरीक्षण गत दिवस किया गया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक लीना जैन, भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश जादौन, SDM राजेश मेहता, तहसीलदार यशवर्धन सिंह राठौर के साथ चिकित्सा प्रभारी रविंद्र चड़ाट उपस्थित रहे। डॉक्टर चड़ाट ने बताया कि कोविड केयर सेंटर पर 50 संक्रमित मरीजों को रखने की व्यवस्था होगी। मरीजों के लिए ऑक्सीजन, दवा समेत किसी भी आवश्यक वस्तु की कमी नहीं आने दी जाएगी। विधायक लीना जैन ने बताया कि हम जिला केंद्र से अच्छी व्यवस्था यहां करने का प्रयास करेंगे। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर चड़ाट ने कहा कि संक्रमण की दूसरी लहर प्रथम लहर से अधिक खतरनाक है, इसलिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी का पालन कर संक्रमण से बचें। आज मैं सबसे पहले तो हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, सभी लोग घर पर रहें, स्वस्थ रहें, पर क्योंकि संक्रमण बहुत जम के फैल रहा है और इसमें इस बार युवा साथी ज़्यादा कहेंगे कि चपेट में आ रहे हैं, तो मैं आज ये कोविड सेंटर का निरीक्षण करने आई थी। बहुत जल्दी कहो तो कल ही से इसकी शुरुआत हो जाएगी। मैं जनता से अपील करती हूँ, आप लोगों को जो सहयोग देना हो आप यहाँ पर दे सकते हैं, आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आप पर्सनली अलग से कुछ करना चाहें तो भी कर सकते हैं, संयुक्त करना चाहें तो भी कर सकते हैं। इसमें जो आपका सहयोग होगा वो हम कोविड सेंटर के लिए दे सकते हैं। विदिशा जिले की समस्त जनता से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि कोरोना की इस बीमारी में हम अपने घर पर रहें और बराबर मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर से बराबर हाथ धोते रहें। अगर हम घर पर रहेंगे तो हमारा परिवार भी सुरक्षित रहेगा, हमारा शहर भी सुरक्षित रहेगा और इस तरह पूरे ज़िले की हम सुरक्षित रखेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के जो अथक प्रयास हुए थे, आज हम कोरोना पर दोबारा काबू पाने की स्थिति में आए, इसमें आपका सहयोग इसी रूप में हमको मिल जाए तो हम कोरोना से निश्चित जंग जीते। देखिए, विगत कुछ दिनों में हमारे यहाँ गंज वासौदा में जिस तरह से आंकड़े कोविड पॉजिटिव पेशेंटों के बढ़े हैं और जिस तरह से विदिशा में भी काफ़ी समस्याएं सामने आ रही हैं, तो इसके मद्देनज़र हमने पहले भी हमारा बसपा का ये 5वां बाईपास के जो कोविड केयर सेंटर है स्टार्ट किया था, हमने उसको पुनः प्रारंभ किया है इस बार। और पिछली बार से जब हम यहाँ पर कुछ माइल्ड केसेस को रखते थे जिनको बहुत कम सिम्टम आया करते थे, इस बार थोड़ा सा जब विकराल रूप जो धारण कर रहा है कोरोना, तो उससे संबंधित हम कुछ पेशेंटों को जो भी थोड़ा सा सीरियस हैं या कुछ हैं ऐसे पेशेंटों को यहाँ पे रखेंगे। इसमें हमने इस बार पर्याप्त ऑक्सीजन की व्यवस्था भी की है यहाँ के लिए, जैसे कि आपने देखा। और आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमने यहाँ पर 5 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर मशीनें की व्यवस्था अभी तक हमने कर ली है, साथ में हमारे यहाँ पर कुछ लगभग 4 से 5 ऑक्सीजन सिलेंडर भी हैं। तो ऐसे पेशेंट जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी लेकिन वो बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो, बहुत बुरी स्थिति में ना हो, तो ऐसे पेशेंटों को हम यहाँ पे रख के उनका इलाज जरूर करेंगे।